कोई दिक्कत है, हम रहते थे तो रात को घर मालिक को किस किस को बुलवा कर जैसी मेरा सेक्स वो करवाती थी देव व्यापार का, तो इसी तरह फिर हमको स्टेशन भेजने लगा। लड़कियां रहती हैं वहाँ, लड़कियां रहती हैं, आदिवासी लड़कियां रहती हैं झारखंड की, वहाँ लड़कियां रहती हैं और वो उससे सेक्स वर्क करवाया जाता है और शायद वो भी करता हो क्योंकि वो तो एक खुद ही मर्द है। ये सप्लाई किस चीज की है, दाल चावल सब्जी किस चीज की सप्लाई? देव व्यापार करवाती है, मेरा भी वो करवाती थी और रेस्टोरेंट में भी वो करवाती है, वो अपने रेस्टोरेंट में भी करवाती है और एनजीओ में, एनजीओ खुला हुआ है ट्रांस वुमेन के लिए और ट्रांस मैन के लिए, ना कि किसी लड़की को रहने के लिए। जैसे कई लोग है जो जबरदस्ती यहाँ से भाग गई, फिर पटना छोड़ गए, कोई कोडरमा चली गई, कोई कहाँ चली गई, सबसे जबरदस्ती नहीं हुआ जा रहा था इस तरह को फेस करना, देव व्यापार करना सबको शौक नहीं है, मजबूरन इस चीज में कोई डूब। झारखंड से लाती हैं ये लोग काम करने के नाम पे? हाँ, वर्क करने के नाम से लाती हैं और वर्क करती हैं और रात में पता नहीं अपना जो वो काम करवाती हैं वो तो काम होता ही है। रेशमा प्रसाद है, रेशमा प्रसाद है, और रेशमा है कि रमेश है कि का है, पहले टेस्ट करवाया जाए, इंक्वायरी किया जाए अच्छे से। जब आप कह रही हैं कि वो जेंट्स ट्रांसजेंडर, माने जेंट्स है रेशमा प्रसाद, जेंडर नहीं होता, जेंट्स जेंसी होता। अच्छा जी, जेंट्स जेंसी होता है, तो फिर उसके संबंध इतने मंत्रियों से अधिकारियों से कैसे हो गए? कहा जाता है लड़कियां संबंध ज्यादा बना लेती हैं, तो वो कैसे बना? सप्लाई बहुत लंबा चौड़ा है, क्या क्या का सप्लाई करते हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा। किस चीज की सप्लाई है? बहुत लंबा चौड़ा उनका सप्लाई है और पहले मैं उनके अंडर में रह भी चुकी हूँ, गोरिया टोली जब उनका डेरा का रूम। तो ये तो बता दिए सप्लाई किस चीज की है, दाल चावल सब्जी किस चीज की सप्लाई? देव व्यापार करवाती है, मेरा भी वो करवाती थी गोरिया टोली कई साल में। बहुत बड़ी बात हम खोलने वाले हैं, आप ये देख लीजिए कि रेशमा प्रसाद देह व्यापार भी कराती थी, ये कराई गोड़िया टोली में। बहुत बड़ी बात खुल रही है रेशमा प्रसाद के बारे में। गोड़िया टोली में जो उमेश यादव है उनके घर मालिक है रहते थे, उनसे मेरा जबरदस्ती करवाया गया कि तुम यहाँ रहोगी, क्योंकि पहले तो मेरा खुद का घर नहीं था, खुद का रूम नहीं था, तो कहीं छत रहने का कोई सहारा था, तो रमेश को जानते थे, इसका अपना एक रेंट का रूम लिया, तो इस साफ तौर पे कहना ठीक है रहो बनिया से अच्छे से रनिया रहा खाइया पिया अपना पैसा से रहा कोई दिक्कत है। हम रहते थे तो रात को घर मालिक को किस किस को बुलवा कर जैसी मेरा सेक्स वो करवाती थी देव व्यापार का, तो इसी तरह फिर हमको स्टेशन भेजने लगे कि घर में रहती हो कुछ कमाई नहीं होता, देव व्यापार तुम्हारा जबरदस्ती करा रहे हैं, जाओ दो पैसा रोड पे जाओगी तो कमा लोगी और ज़्यादा पैसा। तो इस तरह से हम रोड पे भी उतर के कुछ पैसा कमाए भी, अब जो चीज़ का लत लग गया तो वो चीज़ करे जा रहे थे, लेकिन अब मेरा लाइफ में मेरा हम सफर मिल गया तो अब इस चीज़ पे मेरा बॉन्डिंग हो गया, हम अपने घर में अपने पति के साथ रहते हैं। बिहार संवाददाता पे बहुत बड़ी हम ब्रेकिंग देने जा रहे हैं आपको कि देख लीजिए रेशमा प्रसाद जो कि किन्नरों की नेता बनती है वो इन जैसे किन्नरों से देह व्यापार तक करा। मेरे जैसे कई लोग हैं जो जबरदस्ती यहाँ से भाग गई फिर पटना छोड़ गए, कोई कोडरमा चली गई, कोई कहाँ चली गई, सबसे जबरदस्ती नहीं हुआ जा रहा था इस तरह को फेस करना, देह व्यापार करना सबको शौक नहीं है, मजबूरन इस चीज़ में कोई डूबता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, मेरे पास आज ऑप्शन आ गया, कोई हम सफर में आ गया, सब कुछ खर्च देख रहा है, तो मैं सेट हो गई, नहीं तो मैं उसी जगह। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए आपका यह सुशासन है, जहां जिसको आप करोड़ों रुपया देते हैं जिस रेशमा प्रसाद को, वो रेशमा प्रसाद अपने समाज के लोगों को जबरदस्ती जो है देह व्यापार के धंधे में धकेलती है, जिसका पूरी वानगी हम आपको यहां पर दिखा। विरोध की तो घर से हमको निकाल दी, जब मैं विरोध किया मेरे से नहीं होगा इस तरह का काम तो घर से निकाल दिया हमको। फिर अपना में भी करवाया जाता है, जो वो एक एनजीओ चलाती है गरिमा गृह नाम से, उसमें भी ये चीज करवाया जाता है, यानी कि इसके जो भी अड्डे हैं, ये रेस्टोरेंट खुला यहाँ सब जगह यही धंधे चल रहे हैं। और रेस्टोरेंट में भी वो करवाती है, वो अपने रेस्टोरेंट में भी करवाती है और एनजीओ में, एनजीओ खुला हुआ है ट्रांस वुमेन के लिए और ट्रांस मैन के लिए, ना कि किसी लड़की को रहने के लिए। वहाँ लड़कियां रहती हैं? वहाँ लड़कियां रहती हैं, आदिवासी लड़कियां रहती हैं झारखंड की, वहाँ लड़कियां रहती हैं और वो उससे सेक्स वर्क करवाया जाता है और शायद वो भी करता हो क्योंकि वो तो एक खुद ही मर्द है। क्या कह रही थी कि आदिवासी लड़कियां रहती हैं? हाँ, मैं एक बार गई हूँ तो देखी हूँ, मैं उससे पूछी कि तुम लोग ट्रांसजेंडर हो क्या? आदिवासी लड़कियाँ लाती कहाँ से? झारखंड से लाती हैं ये लोग, झारखंड से, हाँ झारखंड से लाती। काम करने के नाम पे? हाँ, वर्क करने के नाम से लाती हैं और वर्क करती हैं और रात में पता नहीं अपना जो वो काम करवाती हैं वो तो काम होता ही है। हेमंत सोरेन जी,
जरा आप भी देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके राज्य की भोली भाली लड़कियों को रेशमा प्रसाद काम करने के बहाने पटना लाती है और उनसे देह व्यापार कराती है। बताइए मैडम। और बस मैं जो देखी हूँ बता दी हूँ, और मैं क्या बोलूँ, और तो है ही है, वो सब सामने में देख ही रहे हैं, लोग जानते ही हैं उसके बारे में। मतलब रेशमा प्रसाद का एक बिजनेस ये भी है? हाँ, बिजनेस तो है ही उसका, वो शुरू से बिजनेस है, नया बिजनेस थोड़ी है, वो शुरू से दलाली की है लोगों को यूज का। ये यहाँ रह गई लोगों के घरों में तालियां बजाकर बधाई लेने के लिए, ट्रेनों में तालियां बजाकर कुछ पैसे मिल जाएं जिससे इनके घर का गुजारा चल सके, लेकिन वही इनके नेता यानी कि रेशमा प्रसाद और जो पॉलिटिकल नेता हैं, उसमें बहुत से बड़े बड़े नेता भी हैं, उनमें और रेशमा प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। रेशमा प्रसाद है, रेशमा प्रसाद है, और रेशमा है कि रमेश है कि का है, पहले टेस्ट करवाया जाए, इंक्वायरी किया जाए अच्छे से, जितने अच्छे तरीका जांच किया जाए, नहीं तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, खुद को जला लेंगे अगर इस पे जांच नहीं बैठाई गई। आपने कितना समझा रेशमा प्रसाद? हमने तो उन्हें जाना ही नहीं, पल्ला नहीं पड़ा, नहीं। क्यों? मेरी भी सर्जरी हुई, 20,000 रुपया दिए उनको। 20,000 आपने भी दिया? हाँ, मैंने भी दिया। पहले दिया कि बाद में दिया? नहीं, पहले ले ली थी, 3 महीना का टाइम दी थी, 3 महीना बाद हमको भेजी है। पहले ले ली? हाँ जी, जो मैं यहीं की वासी हूँ, कदम कुआं की। हाँ जी, और कदम कुआं में रहती हूँ, मेरा आइडेंटिटी है, मेरा आधार है। हाँ, मैं देखी हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे सामने। हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत कुछ हुआ था। तो ये जो इतनी मैंने आँच और जो ये कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है, तो ये सारी सच्चाई बातें हैं? हाँ जी, सब सच्चाई बातें हैं, सब बातें सच्चाई। पैसा दी हो? हाँ, बोल तो रही हूँ ना, 20,000 रुपया दी थी। हाँ, सर्जरी से पहले सर्जरी हुआ है, 20,000 ये दी है। हाँ। पहले पैसा आपसे पैसा किस अकाउंट में लिया? अपने नहीं, कैश ली थी हमसे, कैश में खुद जाके दी थी। पैसा कौन लिए तुमसे? अनुप्रिया लिए। हाँ जी। और कितने टाइम तुमको टाला गया अनुप्रिया पे? 3 महीना। 3 महीना टाला उसने। 3 महीना इनसे पैसा लेने के बावजूद भी इनको इंगेज में रखा गया, वेटिंग लिस्ट में रखा गया। हम कोशिश करेंगे हम दिल्ली के उस अस्पताल से भी बात करने की, और यदि हमारी बात हो जाती है तो उसको भी हम न्यूज़ में शामिल करेंगे। आपका कितना पल्ला पड़ा रेशमा प्रसाद? मेरे को तो पता ही नहीं था कि सर्जरी के लिए पैसा भी पास होता है। ले लेती, मैं क्यों देती पैसा? मेरे को पैसा नहीं देना था, तभी तो मैं इनके साथ हूँ। नहीं देना, बिल्कुल नहीं दूंगी, क्यों दूंगी उसको, क्यों दूंगी मैं? लोग कहते हैं कि बिना रेशमा के आंचल तले जाए हुए सर्जरी हो ही नहीं सकती। कुछ नहीं, अब हम लोग करके दिखाएंगे ये चीज, अब हम लोग तो करके दिखाएंगे। या फिर आप जैसी सब का, मैं अकेले थोड़ी बैठी हूँ यहाँ पे, आप गिनिए जो भी आप बहुत सारे जी भी, बिल्कुल अद्विका ने आवाज उठाया है, हम अद्विका के साथ हैं, एक समय हाँ जी, हम लोग सब साथ हैं।